हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद पीहू में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच रेसिपी, जो बहुत इजी और क्विकली बनके तैयार होता है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू, आधा कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, आधा कटा हुआ प्याज, धनिया और मिर्च की हरी चटनी, टोमेटो सॉस, ब्रेड स्लाइसेस और अमूल चीज़। सैंडविच कई प्रकार से बनाए जाते हैं, बट मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो बहुत इजी और क्विक बनता है। घर के इंग्रेडिएंट में हम इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। एक ब्रेड पे मैं लगा दूँगी टोमेटो सॉस और उसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर लूँगी। दूसरी ब्रेड के स्लाइस पर हम लगा देंगे ग्रीन चटनी, उसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ये चटनी अवॉइड भी कर सकते हैं। उसी ब्रेड के स्लाइस पे मैं स्प्रेड करूंगी उबले हुए आलू का बैटर। उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद उस पर लगा दूंगी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैंने हल्का सा तवा पे टॉस कर लिया है ताकि इसके अंदर का कच्चापन निकल जाए। उसके ऊपर मैं लगा दूंगी कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, और उसके ऊपर अब मैं लगाने वाली हूँ चीज़, जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है और चीज़ से सैंडविच का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और उसके ऊपर दूसरे स्लाइस से मैं कवर कर लूँगी। मैंने यहाँ पर पैन गरम करने रखा है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। अब ये तैयार किया हुआ सैंडविच मैं उस पर रख दूँगी। हमें सैंडविच को अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेना है। ये देखिए, सैंडविच पकाने के बाद मैंने इस पर निकाल लिया। अब मैं इसको आपको कट करके दिखा दूँगी। सैंडविच बनाने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में और कम सामान में बनके तैयार होता है। ग्रीन चटनी हो या टोमेटो सॉस, चाय हो या फिर ऐसे भी आप इसे खा सकते हो। इसका जो टेस्ट है चीज़ के वजह से बहुत ही अच्छा आएगा। आज आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।